नमस्कार बच्चों, अपना जो टॉपिक चल रहा है ख्याति का मूल्यांकन। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ये ख्याति का मूल्यांकन। इसके मैंने आपको मैंने दो विधियाँ बताई थी। पहली थी अपनी औसत लाभ विधि, औसत लाभ विधि। अब औसत लाभ विधि के अंदर पहली विधि थी अपनी औसत लाभों के क्रय के आधार पर, औसत लाभों के क्रय के आधार पे, जिसका फॉर्मूला था ख्याति बराबर औसत लाभ इनटू में क्रय के वर्ष। इसी में औसत लाभ विधि में दूसरी विधि अपने औसत लाभों की पूंजीकरण विधि, औसत लाभों की पूंजीकरण विधि। अब औसत लाभ की पूंजीकरण विधि में ख्याति का सूत्र क्या होता है? देखो, ख्याति बराबर औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य माइनस में विनियोजित पूंजी। यानी ख्याति है तो औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य माइनस में विनियोजित पूंजी। औसत लाभों के पूंजीकरण मूल्य में से जब विनियोजित पूंजी घटा देते हैं तो इसमें क्या होता है? ख्याति की राशि बचती है। इसमें क्या होगा? ख्याति की राशि बचेगी। अब बात आती है कि औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य है। अब पहले आपको औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य निकालना पड़ेगा। उसका सूत्र होता है औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य बराबर औसत लाभ इंटू शो बटे में सामान्य प्रत्यय दर। औसत लाभ इंटू शो बटे सामान्य प्रत्यय दर, ऐसा करके औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य आएगा। उसके बाद चाहिए हमें विनियोजित पूंजी। तो विनियोजित पूंजी का सूत्र क्या होता है? पूंजी बराबर कुल संपत्तियां माइनस बाह्य दायित्व। कुल संपत्तियों में से क्या करते हैं? जो बाह्य दायित्व जैसे क्रेडिटर वित्ती वगैरह, उनको क्या कर देते हैं? लेस कर देते हैं। तो कुल संपत्तियों में से क्या करेंगे? बाह्य दायित्व को घटा देंगे, तो आपकी विनियोजित पूंजी आ जाएगी। फिर औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य में से विनियोजित पूंजी घटा देंगे तो ख्याति की राशि आती है। अब मान लो कई बार ये होता है कि कुल संपत्तियाँ और बाह्य दायित्व ये नहीं दिया होता आपको, आपको दे रखता होता है लाभ वगैरह या पूंजी वगैरह। तो विनियोजित पूंजी निकालने का एक तरीका और होता है, विनियोजित पूंजी बराबर पूंजी प्लस में संचय
प्लस लाभ हानि खाते का जमा शेष। अगर नाम शेष है तो माइनस कर देते हैं इसे, माइनस लाभ हानि खाते का नाम शेष। तो विनियोजित पूंजी का क्या तरीका हुआ, पहले पूंजी जो दे रखी है साझेदारों की, उसमें रिजर्व वगैरह कोई दे रखा है तो उसे जोड़ देना, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है आपको, अगर वो क्रेडिट बैलेंस दे रखा है तो उसे ऐड कर देना, और डेबिट बैलेंस दे रखा है तो उसे लेस कर देना। ऐसा करके आपकी विनियोजित पूंजी आ जाएगी। अब देखो विधि कौन सी अपनी, औसत लाभ विधि में पहली थी औसत लाभों के क्रय के आधार पर, दूसरी चल रही है औसत लाभों की पूंजीकरण विधि। अब औसत लाभों की पूंजीकरण विधि में जब ख्याति का मूल्य निकालोगे, तो औसत लाभों की पूंजीकरण विधि में जब ख्याति का मूल्य निकालते हैं तो उसका सूत्र है ख्याति बराबर औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य माइनस में विनियोजित पूंजी। यानी औसत लाभों के पूंजीकरण मूल्य में से आप क्या करोगे, विनियोजित पूंजी को घटा दोगे। तो औसत लाभों के जब पूंजीकरण मूल्य में से विनियोजित पूंजी घटा दोगे तो आपकी ख्याति की राशि बच जाएगी। अब बात आती है कि औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य कहाँ से आएगा, तो औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य औसत लाभ को 100 से तो गुणा कर दो, बटे क्या करना आपको सामान्य प्रत्यय दर। अब इसमें एक तो 100 चाहिए, वो लिख देंगे अपने, औसत लाभ जो मैंने कल आपको बताया था कैसे निकलता है वो निकाल लेंगे। सामान्य प्रत्यय दर आपको क्वेश्चन में दी होती है, इसका मीनिंग होता है कि अगर अपने जो पूंजी यहाँ पर विनियोजित कर रखी है, जो पूंजी हमने यहाँ पर विनियोजित पूंजी कर रखी है, अगर वो पूंजी हम कहीं और विनियोजित कर देते किसी कंपनी वगैरह में लगा देते तो आपको कितना परसेंट लाभ होता वहाँ से, वो सामान्य प्रत्यय दर होती है, लेकिन ये दर आपको साथ में दी रहेगी। तो औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य आ जाएगा। विनियोजित पूंजी बराबर कुल संपत्तियों में से क्या करेंगे, बाह्य दायित्व घटा देंगे। मान लो विनियोजित पूंजी आपको चाहिए इसमें घटाने के लिए, तो कुल संपत्तियाँ आपको दे रखी है तो कुल संपत्तियों में से आपको क्या करना है, बाह्य दायित्व को घटा देना है। और कुल संपत्तियों में से जब बाह्य दायित्व घट जाएगा तो क्या आएगी अपनी विनियोजित पूंजी। आप विनियोजित पूंजी का एक तरीका और भी होता है, मान लो आपको कुल संपत्तियाँ और बाह्य दायित्व नहीं दे रखे, तो आपको विनियोजित पूंजी निकालने का तरीका है पूंजी में क्या करेंगे, अगर साझेदारों की पूंजी दे रखी है उसमें क्या करोगे, संचय रिजर्व वगैरह वो तो ऐड कर दोगे, लाभ हानि खाते का जमा शेष है वो क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, और लाभ हानि खाते का नाम शेष है तो उसे क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। ऐसा करके आपकी विनियोजित पूंजी आ जाएगी। फिर औसत लाभों के पूंजीकरण मूल्य में से क्या करना, आपको विनियोजित पूंजी घटा देनी है तो शेष आपका ख्याति का मूल्य बच जाएगा। अभी इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं अपने, देखो औसत लाभों की पूंजीकरण विधि का। अगर आपको ये कहे ए बी किसी फर्म में दो साझेदार हैं जो लाभों को 3:2 में बांटते हैं, अब सी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया और उससे ख्याति लेने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उन्हें ख्याति की गणना करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि फर्म की ख्याति कितनी है। तो ए बी लाभों को 3:2 में बांटते हुए साझेदार हैं, उनकी जो कुल संपत्तियां हैं टोटल असेट्स वो दे रखी है आपको 2,00,000। टोटल असेट्स बराबर में 2,00,000 और टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, मान लो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज यानी बाह्य दायित्व है बराबर दे रखे हैं आपको 1,00,000। रिजर्व यानी सामान्य संचय दे रखा है आपको 50,000 का, और पी एंड एल दे रखा है आपको, क्रेडिट बैलेंस ये भी दे रखा है आपको 50,000 का, ठीक है। अब आपको लाभ दे रखे हैं पिछले 4 वर्षों के
लाभ निम्न प्रकार है। पिछले 4 वर्षों के लाभ निम्न प्रकार है, 2001, 2002, 2003 और 2004। पहले साल का जो प्रॉफिट है वो है आपका 30,000 और दूसरे साल का 25,000, फिर 35,000 और फिर 40,000। ये मान लो आपको 4 सालों की प्रॉफिट दे रखी है। आपको कहते हैं औसत लाभों की पूंजीकरण विधि से औसत लाभों की पूंजीकरण विधि, खैप्ति का मूल्य ज्ञात करना है आपको। करना क्या है? औसत लाभों की पूंजीकरण विधि से खैप्ति का मूल्य ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या है? औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य माइनस में विनियोजित पूंजी। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले औसत लाभ निकालना है। तो औसत लाभ बराबर दिए गए वर्षों का कुल लाभ, दिए गए वर्षों का कुल लाभ बटे में दिए गए वर्षों की संख्या, दिए गए वर्षों का कुल लाभ बटे में दिए गए वर्षों की संख्या। अब दिए गए वर्षों का कुल लाभ कितना है वो पहले क्या करेंगे? देखो, पहले साल का लाभ दे रखा है 30,000 प्लस में दूसरे साल 25,000 प्लस में तीसरे साल 35,000 और प्लस में चौथे साल 40,000 बटे में दिए गए वर्षों की संख्या 4 वर्ष हो गए तो ये 4 आ गया अपना। 30,000, 25,000, 35,000 और 40,000, तो 30 90 तो ये हो गए 1,30,000 बटे में 4, ठीक है, ये आ गया अपना 32,500। तो औसत लाभ कितना आ गया अपना? 32,500। इसमें एक चीज़ और है आपके, सामान्य प्रत्यय दर बराबर 10% वार्षिक है। सामान्य प्रत्यय दर कितनी है? 10% वार्षिक। तो औसत लाभ दिए गए वर्षों का कुल लाभ बटे में दिए गए वर्षों की संख्या, कुल लाभ हो गया 30,000 पहले साल है, फिर 25,000 है, फिर 35,000 है, फिर 40,000 है। तो दिए गए वर्षों का कुल लाभ हो गया 31, दिए गए वर्ष कितने हैं? 4। 31 में क्या करोगे? 4 का भाग दे दोगे तो आपका आ गया 32,500, ठीक है। अब आपको क्या करना है? देखो, ये तो औसत लाभ आ गया, अब आपको चाहिए औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य। औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य, औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य का सूत्र अभी मैंने बताया था आपको, औसत लाभ इंटू 100 बटे में प्रत्यय दर, औसत लाभ इंटू 100 बटे प्रत्यय दर। इसमें देखो, औसत लाभ हमने कितने निकाले? 32,500 इंटू में 100 और प्रत्यय दर कितनी होगी? 10% वार्षिक। तो प्रत्यय दर होगी अपनी 10, तो 10 है प्रत्यय दर आ गया, ये आ गया अपना 3,25,000। तो औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य आ गया 3,25। उस 3,25 में से क्या करना है आपको? विनियोजित पूंजी घटानी है। तो विनियोजित पूंजी बराबर देखो, दो तरीके बताए थे मैंने आपको,
एक तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, यानी इसके दो फॉर्मूले होंगे, एक तो हो गया अपना संपत्तियां माइनस में बाह्य दायित्व है, संपत्तियां माइनस में बाह्य दायित्व है। अब संपत्तियां कितने की दे रखी है इसमें, टोटल 2,00,000 की, माइनस में बाह्य दायित्व कितने दे रखे हैं, 1,00,000 के। कितना आ गया, 2,00,000 में से 1,00,000 गया तो कितना बच गया अपना, 1,00,000। तो विनियोजित पूंजी कितनी आ गई अपनी, 1,00,000 आ गई। तो औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य तो 3,25 हो गया और विनियोजित पूंजी 1,00,000 हो गई। अब हमें क्या करना है, देखो ख्याति निकालनी है। तो ख्याति का सूत्र क्या है, ख्याति बराबर औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य माइनस में विनियोजित पूंजी। औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य माइनस में विनियोजित पूंजी, औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य कितना हो गया, औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य अपना गया 3,25,000 माइनस में विनियोजित पूंजी कितनी आ गई, 1,00,000। तो इस तरह से ख्याति का कुल मूल्य वो 2,25,000 आ गया। ख्याति का मूल्य कितना आ गया, 2,25,000 आ गया। तो हम कौन सी विधि करनी थी, औसत लाभों की पूंजीकरण विधि। किसी फर्म में द्वारा देखो ए और बी दो साझेदार, टोटल असेट्स की कितनी दे रखी है, 2,00,000। एक्शन लाइबिलिटी यानी बाह्य दायित्व कितने के दे रखे हैं, 1,00,000 के। जनरल रिजर्व कितने का दे रखा है, 50,000 का। पीएनएल 50,000 का। पिछले 4 वर्षों के लाभ निम्न प्रकार है, ये 4 सालों के लाभ दे रखे हैं। हमें कौन सी विधि से करना है, औसत लाभों की पूंजीकरण विधि से। औसत लाभों की पूंजीकरण विधि से जब ख्याति का मूल्य निकालते हैं तो उसका सूत्र क्या होता है, औसत लाभ इंटू में 100/ में प्रत्यय दर। तो पहले हमें औसत लाभ निकालने हैं, तो औसत लाभ का सूत्र क्या होता है, दिए गए वर्षों का कुल लाभ बटे में दिए गए वर्षों की संख्या। तो दिए गए वर्षों का कुल लाभ हो गया पहले साल 30,000, फिर 25,000, फिर 35,000 और फिर 40,000, चारों को जोड़ दिया और साल कितने, 4 का भाग दे दिया। तो 1,30,000 में 4 का भाग दिया, कितना आ गया, 32,500। अब आपको औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य चाहिए, क्योंकि सूत्र क्या था, औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य माइनस में विनियोजित पूंजी। औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य निकालने का सूत्र हो गया औसत लाभ इंटू 100/ प्रत्यय दर। तो औसत लाभ हो गया 32,500 इंटू 100/ प्रत्यय दर। अब यह विनियोजित पूंजी जैसे दो सूत्र बताए थे मैंने आपको, एक तो संपत्तियों में से बाह्य दायित्व घटा दो, या फिर औसत लाभों के पूंजीकरण मूल्य में से विनियोजित पूंजी घटा दो। तो संपत्तियाँ कितने की अपनी, संपत्ति अपनी 2,00,000 में से 1,00,000 घटा के वो 1,00,000 आ गए। एक तरीका और क्या था, रिजर्व में पीएनएल जोड़ दो, तो रिजर्व में पीएनएल जोड़ेंगे 50 और 50 तो भी 1,00,000 आएगा। कहने का मीन, आप विनियोजित पूंजी किसी भी तरीके से निकालो, आएगी वो बराबर ही, चाहे कुल संपत्तियों में से बाह्य दायित्व घटा कर निकालो या फिर पूंजी में संचय और लाभानि खाते का से जोड़ कर निकालो। तो अपने विनियोजित पूंजी 1,00,000 आ गई। अब आपको क्या करना है, ख्याति का मूल्य निकालना है। तो ख्याति बराबर क्या है, औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य माइनस में विनियोजित पूंजी। तो औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य कितना हुआ, जो हमने निकाला 3,25,000, और विनियोजित पूंजी कितनी आ गई अपनी, 1,00,000। तो 3,25 में से 1,00,000 गई, शेष कितना बचा, 2,25,000। तो ख्याति का मूल्य कितना आ गया अपना, 2,25,000 आ गया। ये होगी अपनी औसत लाभों की पूंजीकरण विधि, ठीक है। अब इसी सवाल में आपको ऐसे कह दें कि औसत लाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात करो। औसत लाभों का तीन वर्ष का क्रय, यानी औसत लाभों के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात करो। तो इसमें सूत्र क्या होता है, ख्याति बराबर औसत लाभ इंटू में क्रय के वर्ष,
औसत लाभ इंटू क्रय के वर्ष, तो औसत लाभ को क्या करेंगे, क्रय के वर्ष से गुणा कर देंगे तो अपना खेती का मूल्य आ जाएगा। अब औसत लाभ हमने इसमें कितना निकाला है, 32,500, और ख्याति तीन वर्ष के क्रय के आधार पर, तो तीन से गुणा और कर दो इसको, यह आ गया 97,500। ऐसे तो ख्याति का मूल्य 97,500 आया है, और ऐसे 225,000 आया है। ये हो गया अपनी औसत लाभों की पूंजीकरण विधि और औसत लाभों के क्रय के आधार पर। अब देखो अभी तक हमने इसमें जो निकाला है वो क्या निकाला है, एक सामान्य औसत लाभ निकाला है, सीधा जितने सालों का लाभ दिया है उन सालों के लाभ को क्या कर दिया, जोड़ दिया, और जोड़ के उतने साल का भाग दे दिया, तो औसत लाभ आ गया। कई बार लाभ क्या होता है कि या तो बढ़ते हुए क्रम में होता है या फिर लाभ है वो घटते हुए क्रम में होता है। यह तो लाभ क्या होगा, बढ़ते हुए क्रम में होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, एक साल बढ़ेगा, दूसरे तीसरे ऐसे बढ़ता रहेगा, चाहे वो कितना ही बढ़े, या फिर घटते क्रम में होएगा। घटते क्रम मतलब हुआ कि वो घटेगा, पहले साल ज़्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर हम उसमें साधारण औसत नहीं निकाल सकते, चाहे विधि कोई सी भी हो, चाहे औसत लाभों के क्रय के आधार पे हो या औसत लाभों की पूंजीकरण विधि हो, कोई भी विधि हो, लेकिन उसमें आप साधारण औसत नहीं ले सकते, फिर आपको उसमें भारी औसत निकालना पड़ता है। कब निकालना पड़ता है भारी औसत, जब लाभ या तो बढ़ते हुए क्रम में हो या फिर घटते हुए क्रम में हो, तो वहाँ पर आपको साधारण औसत की जगह भारी औसत लेना पड़ता है। जैसे भारित औसत लाभ, भारित औसत लाभ का सूत्र क्या होता है, भारित औसत लाभ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल ऑफ प्रोडक्ट बटे में टोटल ऑफ वेट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट बटे में टोटल ऑफ वेट, यानी हिंदी में बोलेंगे तो गुणनफलों का योग बटे में भार का योग, अब देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट यानी भारित औसत लाभ, तो भारी तो लाभ का प्रयोग कब किया जाता है, जब लाभ बढ़ते या घटते क्रम में हो। कहा नहीं जाएगा क्वेश्चन में भी आपको भारी तो लाभ विधि से करना है या क्या करना है, आपको ऐसे कह दे चार सालों का लाभ दिया हुआ है, 2001, 2002, 2003 और 2004, ये तो ईयर हो गया। अब प्रॉफिट मान लो पहले 25,000, फिर 30,000, फिर 32,000 और फिर 35,000, ये चार साल का प्रॉफिट दिया हुआ है आपको। अब इसमें आपको चाहे आप औसत लाभों के क्रय के आधार पे करो या औसत लाभों की पूंजीकरण विधि करो, दोनों ही दशाओं में क्या होगा, आपको कौन सा प्रॉफिट लेना पड़ेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेना है, भारी तो औसत लाभ लेना है। आप ऐसे नहीं कर सकते चारों को जोड़ के चार का भाग दे दो औसत लाभ निकल गया, इसमें आपको वेटेड एवरेज ही लेना पड़ेगा सिंपल एवरेज की जगह। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट बटे में टोटल ऑफ वेट। अब टोटल ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, देखो पहले मान लो यहाँ पे प्रॉफिट आ गया अपना, पहले दोबारा लिख दो, यहाँ पे ईयर आ गए 2001, 2002, 2003 और 2004, अब प्रॉफिट आ गया
तो प्रॉफिट आ गया पहले साल में 25,000, दूसरे साल में 30,000, तीसरे में 32,000 और चौथे में 35,000। ये आपका क्या है, प्रॉफिट आ गया। अब आपको क्या करना है, देखो इसको एक वेट देना है। वेट का मतलब होता है सबसे जो कम प्रॉफिट है उसे एक, जैसे ऐसे देंगे वेट 1, 2, 3, 4, यानी वेट प्रॉफिट को क्या करना है, वेट से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका प्रोडक्ट आ जाएगा, गुणनफल आ जाएगा। तो प्रोडक्ट 25,000 को एक से किया 25,000, 30 को दो से किया 60,000, 32 को तीन से किया 96,000 और 35 को चार से किया 41,000। ये क्या गया आपका टोटल ऑफ, सॉरी प्रोडक्ट आ गया। अब आपको टोटल ऑफ प्रोडक्ट करना है, गुणनफलों का योग करना है। तो ये क्या 25 और 60 85 85 और 96 85 और 96, 181 181 और 140, ये आ गया 221,000। 221,000 तो इसका टोटल आ गया प्रोडक्ट 25 85 85 और 96 181,000, 181 और 140, 321,000 आ गया। तो टोटल कितना आ गया अपना 321,000। अब आपको बटे में क्या लेना है, बार का योग। बार का योग करें तो 10 आ जाता है, बार का योग करें तो कितना आएगा, 10 आएगा। अब आपको क्या करना है, अभी आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट नहीं आया तो गुडविल तो बाद की बात है। तो पहले क्या करेंगे, अपने वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट अपना आ गया, इसके लिए गुणनफलों का योग आ गया 321,000, बटे में टोटल वेट आ गया 10। 321,000 में 10 का भाग देंगे, आपका 32,100 रुपये आ गया। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 32,100 रुपये। अब आपको क्या करना है, आपको ये कहे कि औसत लाभों के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर खेती का मूल्य निकालिए। तो औसत लाभ अब आपको ये लेने पड़ेंगे 32,100 रुपये, और कितने से गुणा करना है आपको, 3 से। तो गुडविल बराबर 32,100 गुणा में 3, ये आ गया 96,300। कितना आ गया, 96,300 वो खेती का मूल्य आ गया। तो क्या करना आपको, भारित औसत लाभ विधि का प्रयोग कब करना है, जब लाभ या तो बढ़ते हुए क्रम में हो या फिर लाभ घटते हुए क्रम में हो। तो पहले लाभ क्या है, बढ़ते हुए क्रम में, इनको वेट दे दिया 1, 2, 3, 4, इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो प्रोडक्ट आ गया। तो 25 को 1 से किया 25,000, 30 को 2 से किया 60, 32 को 3 से किया 96 और 35 को 4 से किया 41, इनका टोटल किया 321 आ गया। तो ऊपर तो गुणनफलों का योग आ गया 321,000, बटे में इसका योग किया बाहर तो 10 आ गया, 32,100 रुपये आ गया। ये आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब आपको कहते हैं कि 3 वर्षों के क्रय के आधार पर खेती का मूल्य निकालिए, तो 3 से क्या करेंगे, गुणा और कर देंगे, तो 32,100 × 3 96,300 वो खेती का मूल्य आ गया। ये कौन विधि होगी, अपनी भारित औसत लाभ विधि। कब प्रयोग करना है इसका, जब लाभ यह तो क्या हो, बढ़ते हुए क्रम में हो या फिर घटते हुए क्रम में हो। आज के लिए बस इतना ही, बाकी आगे कल करेंगे।